अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो भगवान कह रहे हैं मौसी भी है हमारे से हो और एक अच्छा लगा सबको। सोचे क्या संथाल प्रोग्राम में हम सोचते थे कि मेरा वीडियो चलता ही नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं था यहाँ खोटा बात है। हाँ पता नहीं था, लेकिन अब पता चल गया कि मेरे बहुत सारे समर्थक हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ सब अभी का समर्थक बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद दादा साहब। हेलो, अभी हमारे साथ है टिकटॉक दीपक महतो, जो टिकटॉक से प्रसिद्ध होने के बाद इंस्टाग्राम में काफी प्रसिद्ध है, यूट्यूब पे भी इनका अपना चैनल है और काफी प्रसिद्ध है। खोटा कॉमेडी बनाते हैं और इनका काफी पर्सनल मतलब इतना फॉलोवर है, बहुत ज्यादा फॉलोवर है। हम बात करेंगे यहाँ हमारे दुमका के रामगढ़ धरती में आए हुए हैं, हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, सबसे पहले आपको और आपके जितने भी जवाहर गांव चैनल के माध्यम से जो श्रोता हमें सुन रहे हैं उनको मेरा खतियानी जवाहर है। यहाँ दुमका किस कारण आप पहुँचे हैं? दुमका जी, इधर चूंकि ये संथाल परगना जो है शुरू से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्र बना था, और यहाँ पे जो जैसे कि उप राजधानी है ये दुमका, जिस तरह का यहाँ पे सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए थी उस तरह की सुविधाएं अभी तक मिली नहीं है, और जिस तरह का इस तरह होना नहीं चाहिए था, चूंकि ये उप राजधानी है तो ये गौरव की बात होती है। उस तरह का यहाँ पे क्या बोला जाए तो वो सुविधा नहीं दे पा रहे, नहीं मिली है, और वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी बनते आ रहे हैं उनका जो है समापन के लिए ये जो न्यू नया खून वाला पार्टी बना है जो हक और अधिकार का ही बात कर रहा है सिर्फ और सिर्फ, इसीलिए उनके प्रचार प्रसार के लिए बेबीलता टूटू जी जो कि दुमका लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनका समर्थन करने के लिए हम लोग आए हुए, उनके प्रचार प्रसार टाइगर जयराम महतो के साथ आए। जी टाइगर जयराम महतो जी, यहाँ का माहौल कैसे लगा यहाँ? जैसे आप लोग का धन्यवाद, बोकारो उधर गिरिडीह में माहौल एकदम एक नंबर है, उधर टाइगर को बहुत मानते हैं, इधर का माहौल कैसे लगा आपको, कैसे देखे क्या जी? माहौल अभी तक तो अच्छा लगा है, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि ये जो संथाल परगना का क्षेत्र है वो शुरू से ही जेएमएम का गढ़ रहा है, इसके कारण जो है खुद टाइगर दादा बेबीलता टूडू जी के समर्थन में यहाँ पे प्रचार प्रसार के लिए आए हैं ताकि ये गढ़ जो है वो टूटे किसी भी तरह से, और ये इस क्षेत्र का कायाकल्प। जैसे कि आपके बारे में काफी सुने हैं, यहाँ पे आप आए हैं, आप टिकटॉक दीपक महतो के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ आपको पहचान रहे आदमी? जी है? जी देख लीजिए हुजूर है, सेल्फी वेल्फी पूरा ले रहा है। बहुत अच्छा लगा यहाँ के लोगों का प्यार देख के कि इतने सुदूर क्षेत्र में भी, मैं हमको नहीं लगा था कि हम सोचे थे कि सिर्फ मेरा जो है धनबाद झारखंड धनबाद बोकारो गिरिडीह तक ही मेरा लिमिट है, हाँ, लेकिन संथाल प्रोग्राम नहीं सोचे थे, संथाल प्रोग्राम में कभी नहीं सोचे थे कि हमको इतना सपोर्टर मेरा यहाँ पे होगा, सोचे भी नहीं थे, लेकिन देख के बहुत अच्छा लगा, दिल गदगद हो गदगद हो। लास्ट अंतिम क्या बोलना चाहेंगे दुमका लोकसभा वासियों को, जेपी लता इस बार चुनाव? अगर दुमका वासियों को परिवर्तन देखना है, यहाँ कुछ अलग काम देखना है, यहाँ का अगर कायाकल्प करवाना है तो जरूर से जरूर एक बार सोचें कि क्या है हमारा अधिकार और कौन हमारे अधिकारों के लिए इतने दिनों से लड़ रहा है या किसने कुछ किया है, जरा मंथन करें, उसके बाद ही अपना वोट दें। और मैं तो चाहूंगा जेबीकेएसएस जो 2.5 सालों से बहुत सुचारू ढंग से लड़ रही है आपके अधिकारों के लिए, तो मैं चाहूंगा कि अपना वोट जेबीकेएसएस को दें ताकि यहाँ पे कुछ बदलाव हो सके। एक बार खोटा वासी जितना है दर्शक है देखना चाहेंगे आपको, वैसे पूरा प्रसिद्ध है, खोटा से कोई डायलॉग ऐसे बोल दिए जैसे कि आदमी खुश हो जाए आपका। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो भगवान कह रहे हैं मौसी भी है हमारे से हो और अच्छा लगा सबको। अरे अच्छा दुमका वासी के लिए, पहले बात तो दुमका वासी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना सारा मतलब मुझे प्यार दिया, उसके लिए सोचे क्या संथाल प्रोग्राम में हम सोचते थे कि मेरा वीडियो चलता ही नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं था यहाँ खोटा बात है? हाँ पता नहीं था, लेकिन अब पता चल गया कि मेरे बहुत सारे समर्थक हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ सब अभी का समर्थक, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद दादा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहेंगे दीपक महतो जी को जो दुमका आए और अच्छा लगा, देख सकते हैं इसका समर्थन देख सकते हैं। चलिए इसी तरह तमाम खबरों को दिखा दें, धन्यवाद।